नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आज कानपुर में हमारा दूसरा दिन है और आज फिर से हम लोग कुछ मैन्युफैक्चरर से मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उनके फैक्ट्री पे जा रहे हैं। आपको आज का पूरा वीडियो दिखाएंगे कानपुर सिटी का। कल आपने देखा, कल लॉकडाउन का पहला दिन था और हमारा भी यहाँ पे पहला दिन था। यहाँ का पूरा वीडियो आपने देखा, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो में देखिए। यहाँ की सड़कें आप देख रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से यूपी में पूरी तरह लॉकडाउन है और पूरी सड़कें सुनसान है। एक दो लोग जो इमरजेंसी ड्यूटी में होंगे या जो पास मिला होगा जिनको वो लोग जा रहे हैं। और ये जो हाईवे है, ये कानपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाली हाईवे है। ये हम लोग साइड से निकल रहे हैं और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है कानपुर का, वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। 400 मीटर आगे लेफ्ट लेना। सर, मास्क और हेलमेट नहीं है, मास्क भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है। ये नमक फैक्ट्री चौराहा है, कानपुर मेन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है और अभी हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग एक फैक्ट्री में पहुंचे हुए थे जहां पे बहुत सारी लघु उद्योग की मशीनें बनाई जाती है और उनसे बात भी हुई और फिर हम लोग अगले दूसरे फैक्ट्री में पहुंच रहे हैं जहां पे, और आपको वीडियो दिखाते हैं। यहां पे वीडियो शूट करने पे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने पूरा वीडियो शूट करके आपको नहीं दिखाया। अभी हम लोग दूसरे फैक्ट्री पे पहुंच रहे हैं और फिर आपको वहां का वीडियो दिखाते हैं। What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And फाइनली अभी हम लोग होटल वापस आ चुके हैं। पूरा दिन भर आज भाग दौड़ रहा, सुबह से लेकर शाम हो गई, आपने वीडियो में देखा। पूरे दिन हम लोग आप सभी के लिए पूरे दिन मशीनें ढूंढते रहा, नया बिजनेस आइडिया ढूंढते रहा। सुबह निकला था मैं करीब 9-10 बजे के आसपास और अभी शाम के 8 बज रहे हैं और हम लोग वापस होटल में आ चुके हैं। तो आज का दिन मिला जुला असर रहा, काफी सारे मैन्युफैक्चरर को हमने इंडिया मार्ट पे सर्च किया था, इंडिया मार्ट से हमने उनसे संपर्क किया था और उनके प्लांट देखने के लिए आज हम लोग विजिट करने वाले थे।
तो काफ़ी नई चीज़ें हम लोग आज सीखे हैं, काफ़ी ये एक आप सभी के साथ जानकारी साझा करना चाहूँगा। इंडिया मार्ट पे हमने मैन्युफैक्चरर सर्च किया था और मैन्युफैक्चरर फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो मैन्युफैक्चरर थे। और जब हम लोग प्लांट पे पहुँच रहे हैं तो भाई वो उनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, वो एक दूसरे से टाई अप, जैसे एक किसी एक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उन्हीं से मशीनें लेके दूसरे लोग सप्लाई दे रहे हैं और वो खुद को मैन्युफैक्चरर बोल रहे हैं। मेरे साथ एक बार तो ऐसा हुआ कि जो दो लोग तीन लोग जो हमसे मैन्युफैक्चरर बोल के मिले हुए थे और तीनों लोग अपनी फैक्ट्री दिखाने ले गए हमें, तो उनका एक ही फैक्ट्री था जिनसे हम पहले मिल चुके थे। और वहाँ जाने के बाद वो मजाक बन रहा था कि भाई ये इनसे तो हम पहले ही मिल चुके हैं और तीन लोग बाद में उन्हीं से मिलाने लेके जा रहे हैं कि भाई ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें देखने को मिली। इंटरनेट से सीधे तौर पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किसी से फ़ोन पर बात करके विश्वास नहीं किया जा सकता, आप विजिट करना चाहिए। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे पहुंचे और वहाँ उनसे बात हुई, काफ़ी सारे नई बिजनेस आइडिया भी मिला और काफ़ी कुछ पूरे दिन हम लोग को इधर उधर मजाक भी बना कि भाई मैन्युफैक्चरर थे नहीं और फ़ोन पे मैन्युफैक्चरर बता रहे थे, हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो उनका कोई प्लांट नहीं था। तो बहुत जल्द ये मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप सभी के लिए मैं बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा हूँ, नई नई मशीनें ढूंढ रहा हूँ जिससे आप लगा के अपने क्षेत्र में घरेलू उद्योग लगा के अच्छे पैसे कमा सकें। तो फिलहाल के लिए आज के इस ब्लॉग में मैं आप सभी से विदा चाहूँगा और आज काफ़ी थकान हो चुकी है। अभी हम लोग खाना ऑर्डर किए हुए हैं स्विगी से, अभी हम लोग को होटल में ही खाना आएगा, यहीं पे खा के फिर आराम करेंगे। कल के दिन देखते हैं, कल लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है उत्तर प्रदेश का और एक हैं जो जिन पे हैं जिनसे हमारी मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री दिखाई है वो कल ऑफिस में बुलाए हैं, उनसे डील होगी। फिर आगे हम आशा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप सभी के लिए लेकर आऊँगा और नई वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए आप सभी से आज के इस वीडियो में मैं विदा चाहूँगा, आगे इंतजार कीजिए, बहुत जल्द कुछ नया बिजनेस आइडिया आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, हमने एक चीज़ देखा यहाँ पे कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं जो लघु उद्योग की मशीनें जो बनाते हैं वो बनते हुए दिखाना नहीं चाहते किसी को, वो चाहते नहीं कि कोई उनका आइडिया चुरा के कोई सेम काम शुरू करे, या जो लघु उद्योग लगाए हुए हैं वो ये नहीं दिखाना चाहते कि भाई बनता कैसे है। जो लघु उद्योग लगाए हुए हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप मेरे से प्रोडक्ट लेके बेच सकते हो या आप कमा सकते हो, या जो मशीनें बनाते हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ आप मशीन खरीदने की बात करो, कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात ना करो। यानी बहुत सारे लोग हैं जो आइडिया देना नहीं चाहते, बहुत मेहनत होती है वीडियो सर्च करके आप सभी के लिए लेकर आने में, उनसे वो हमें तो बता देते हैं लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड करने जाते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि भाई ये रिकॉर्ड करके सबको दिखाओ, सब लोग आइडिया चुरा लेंगे। बड़ी दिक्कत होती है ये ऐसे वीडियो आप सभी के लिए लेकर आने में, लेकिन मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप लोग जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कल फिर हम लोग थोड़ा सा, कल लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो कल इंडस्ट्री एरिया में विजिट करने वाले हैं।